दृश्यम 2 का ट्रेलर आ चुका। श्री करते हुए आइए इसी पर बात करते हैं। ये वो पिक्चर है जिसकी स्क्रिप्ट के लिए सारी ही इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स वैसे ही बैठे रहते हैं जैसे पेड़ पर बंदर केला छीनने के लिए बैठा रहता है। बस चले इनका तो स्क्रिप्ट ओवर होते ही ओरिजिनल राइटर का पेन छीनकर भाग जाए। क्या लिखावट है इसकी। मोहनलाल सर की मूवीज होती भी वैसी हैं जिसकी सबसे ज्यादा रीमेक्स बनती है। दृश्यम की अभी तक तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा वाला वर्जन बन चुका है। दूसरे पार्ट का भी काम जारी है। तीसरी वाली भी अनाउंस हो गई है कि बनेगी, लेकिन लोगों की दिक्कत खाली हिंदी वालों में आती है कि भैया आप लोग रीमेक्स क्यों बना रहे हो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर, ये फिल्म वो प्रोडक्ट है जिसके रीमेक पर हमको उतना ही भरोसा है जितना अपने उस दोस्त पर भरोसा रहता है जो एग्जाम में हमको अपने पेपर से कॉपी करने थे। 2 अक्टूबर के लिए गांधी जी से ज्यादा विजय सालगर। लेकिन ये ट्रिप पूरी तरह याद है कि कब सत्संग में गए, कब बस में बैठे, कब पाव भाजी खाए वगैरह वगैरह। मैं तो दिखाओ थिएटर भेजो, इसी से उनके बुद्धि का विकास हो रहा है। खैर, ट्रेलर में क्या हुआ आइए उसकी बात करते हैं। तो शुरुआत होती है इन्वेस्टिगेशन रूम से, जहां विजय सालगांवकर का केस दोबारा खुल चुका है। इस बार इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं नए इंस्पेक्टर अक्षय खन्ना। ट्रेलर आगे बढ़ता है, हमें दिखाता है कि एक तरफ जहां विजय सालगांवकर की कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, परिवार अपने पास्ट को भूलकर नई जिंदगी में जाने की कोशिश कर रहा है, और तभी दोबारा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन खुल जाती है। पार्ट 1 के कैरेक्टर्स दोबारा से 2 अक्टूबर की उस रात को याद करते हैं। विजय अभी भी अपने उसी बयान पर टिके हुए हैं जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तुमने मर्डर किया है, तो वो बोलते हैं नहीं। अक्षय खन्ना को इस पर भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ तब्बू की भी एंट्री होती है और कहानी फिर आकर वहीं खड़ी हो जाती है। अब इस समीकरण में विजय कैसे दोबारा से अपने परिवार को बचाएंगे, कैसे कहानी आगे बढ़ेगी और क्या वो पकड़े जाएंगे। और भाई साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में ओरिजिनल क्लाइमेक्स से क्या इसको अलग दिखाया जाएगा, क्योंकि वर्जन हमने देख लिया है, बहुत कड़क लगा कि इससे अच्छी लिखावट, इससे ज्यादा थ्रिलिंग सच पेड़ के बीच की तरह होता है, जितना भी चाहे दफनाओ एक दिन बाहर आ ही जाता है। या फिर सवाल ये नहीं कि आपकी आंखों के सामने क्या है, सवाल ये है कि आप क्या देख रहे हैं। मस्त है भाई साहब। दूसरा, अजय देवगन एज ऑलवेज बढ़िया दिख रहे हैं, और तीसरे, अक्षय खन्ना जितने शांत हैं उतने ही ब्रूटल अवतार में दिखाई दे रहे हैं, तो मजा तो आना लाजमी है। नेगेटिव्स की बात करें तो कुछ लोगों के लिए है एक रीमेक ही, लेकिन उनसे मैं बोलना चाहूंगा कि आपने पार्ट 2 मलयालम वाला देखा है? अगर नहीं देखा है तो जाकर देखो। हुआ का कहना सही है, मैंने ये फिल्म देख ली है, काफी टाइम पहले देखी है, हर एक चीज पता भी है, लेकिन फिर भी मैं हिंदी वाले का वेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि हिंदी में उस कहानी को अजय देवगन कैसे जीते अपने पूरे परिवार के साथ, उन सारे किरदारों के साथ, उस स्क्रीन पे करें या जो भी हो। ट्रेलर देखकर आपको कैसी फील आई कमेंट करके आप जरूर बताना। क्या आपने मोहनलाल सर वाली पार्ट 2 देख ली है, वो भी कमेंट करके जरूर बताना, और ये भी लिखना कि वीडियो आप देख कहां से। कि हमारा घूर के मनवा करह पियावा गाड़ी।